Everything is going good. क्या कर रहे हो बेटा? What are you doing right now? Sir, I have just finished my internship from Safdarjung. Okay. And I'm just planning to prepare for PG. Very now. Good. Wonderful. And how was your journey for the FMG exam? It was very good. I enjoyed it, actually. And so I enjoyed your classes, especially your classes. I was late in every class, but in your class, I was on time. Wonderful. How was your journey right from your university? Right from my university, I was an average student, not that bright. And I used to be 24 hours a week, minimum, maximum, sorry. It's not minimum, 24 hours a week. I just planned that in a week, I have to study only 24 hours. That's it. Okay. And when I finished my graduation, then I came to Gautam Nagar and I joined MIST. And then the journey of 6 months began. So what did you do? And it was very interesting. How and, you were able to, matlab, wo jo 6 mahine jo तैयारी की थी मिस्ट के साथ उसमें कैसे मेहनत की क्या ऐसा किया जो एकदम से क्रैक कर लिया सर एक्चुअली मैं जो भी क्लासेस में पढ़ाया जाता था वो जाके घर पे कंप्लीट करता था और उसके बीच दो क्लासेस जो क्लासेस के इन बिटवीन होता है एक तो स्लीप मैनेज करना और हेल्थ मैनेज करना ये दो चीजें बहुत मेन होती हैं उसमें अगर आप बीमार पड़ गए एक हफ्ते चले जाते हैं सीधे और फिर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है तो एक तो वो और दूसरा स्लीप मैनेज करना तो अगर मैं क्लासेस खत्म हो रही हैं 5 बजे कभी 6 बजे कभी 8 बजे तो पहले घर पे जाता था और डिफाइंड होता था कि मैं खाना कितने देर में खा लूं और कितने देर में बैठ जाऊंगा पढ़ने और उसके बाद जो क्लासेस में पढ़ाए जाते थे वो मैं पूरा लेता था एक बार रिवाइज कर लेता था एज इंस्ट्रक्टेड बाय यू कि हाउ टू रिवाइज एंड हाउ टू मेक इट इन योर माइंड तो करके उसके बाद कुछ मतलब लगता था कि कुछ डाउट आउट तो नहीं है ना कल के लिए उसके बाद मैं सोने चला जाता था ओके कोई इधर उधर नहीं करता था और हाँ ये है कि जिस दिन छुट्टी होती थी जिस दिन मतलब ऑफ होता था उस दिन मैं अच्छे से सोता था ओके जैसे मैं उस दिन अलार्म नहीं लगाता था जैसे ट्यूसडे को फोन पे अलार्म नहीं लगाता था वेरी गुड हाँ 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 अगर ट्यूसडे को छुट्टी है तो अगर मैं सो गया मतलब सारी चीजें कंप्लीट करके 3 बजे भी अगर सो गया मैं फोन स्विच ऑफ करके सो जाता था बहुत बढ़िया क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं प्रॉपर स्लीप लूंगा और अच्छे से सो जाऊंगा तो मैं अगले दिन अच्छा परफॉर्म कर लूंगा वंडरफुल और ये जो पूरी जर्नी रही इसमें जैसे अभी एक बहुत अच्छा इनपुट दिया नीरज कि जो भी क्लासेस में उस दिन सर माय नेम इज अंकित ओ आई एम सो सॉरी ओके सो सॉरी अंकित बेसिकली जो तुम्हारी जर्नी कौन सी यूनिवर्सिटी से हो अंकित मैं ग्रोथो स्टेट यूनिवर्सिटी से ग्रोथो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ओके तो व्हाट आई एम एबल टू गैदर अंकित इज कि ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन यू वर अटेंडिंग द क्लासेस ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड यू वर जस्ट ट्राइंग टू कंप्लीट दोज क्लासेस बाय लर्निंग दोज लेसंस ऑन अ डेली बेसिस एंड देन वंस इन अ वीक यू वर गेटिंग अ हॉलीडे यू वर जस्ट ट्राइंग टू कैच अप विद द लेफ्ट आउट स्लीप एंड यू वर ट्राइंग टू फोकस मोर ऑन द हेल्थ मैनेजमेंट ऑल्सो सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट फीडबैक फॉर द जूनियर्स कि हाउ यू हैव टू एक्चुअली मेंटेन योर स्केड्यूलिंग यू अटेंड द लेसंस लर्न द लेसंस एंड देन ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर स्लीप एंड योर हेल्थ राइट एंड व्हाट अबाउट द टेस्ट अंकित व्हिच वर हेल्ड ऑन ट्यूसडे व्हिच वाज हेल्ड ऑन ट्यूसडे इट वाज ऑन एवरेज एक्चुअली
मैं जब देता था तो एक मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि इट वॉज नॉट अप टू द मार्क और समथिंग लाइक दैट, बट वेन आई गिव वंस एंड आफ्टर दैट वंस आई रिवाइज द टेस्ट आई सी द क्वेश्चन विच आर बींग आस्क्ड एंड हाउ आर दे बींग आस्क्ड एंड फ्रॉम वेयर आर दे बींग आस्क्ड. That's it. Because I think that the test which was held every week was also a lesson for us. It's not a test for going into depression or being excited that you are very good, you are going very good. Actually, एक सवाल में चार सवाल होते हैं सर. तो जो चारों ऑप्शन होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं, तो उनमें हमें रूल आउट करना होता है कि मतलब क्या है, क्यों पूछा गया ये. बहुत सारे जैसे 50 क्वेश्चन होते थे तो उसमें से बहुत सारे सवाल तो इट वॉज वेरी इजी स्ट्रेट लाइनर्स, लेकिन जो भी 20 या 25 सवाल होते थे वो अच्छा सिखा जाते थे किसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं. वेरी गुड. तो उन टेस्ट ने फायदा दिया? हाँ सर दिया. मैंने उन टेस्ट के अलावा कोई भी बुक सॉल्व नहीं करी पूरे 6 मंथ में. बस इतना था कि हाँ जो मैं 50 सवाल करूंगा उसको अच्छे से पढ़ना है, भले टेस्ट के बाद 2 घंटे में अच्छे से उसको, 2 घंटे तो नहीं लगते थे, आधे घंटे लगता था कि अच्छे से करूं और देखूं कहां से सवाल पूछे जा रहे हैं. Okay. कुछ ऐड करता था कुछ नहीं करता था. वेरी गुड. और जब एग्जाम नजदीक आ रहे थे उस समय जब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो रहे थे तब कैसे मैनेज किया अपने आप को? सर मैं जो एग्जाम्स होते थे सब्जेक्ट वाइज उनके पहले मैं रिवाइज नहीं करता था उस सब्जेक्ट को, क्योंकि देखना होता था कि कितना याद रह जाता है मुझे एक्चुअली. क्योंकि अगर मैं एक दिन रिवाइज करके फिर टेस्ट दूं और उसमें अच्छा ले लूं मार्क्स तो इट्स नॉट वर्थ इट ना. क्योंकि हमें उस 3 से 4 घंटे की जो टाइम पीरियड होता है एग्जाम में उसमें कितना याद रहता है वो ज़्यादा मायने रखता है. तो मैं सर मोस्टली बहुत सारे एग्जाम्स में पास नहीं हो पाता था. ऐसा होता था कि बॉर्डरलाइन 45% आ गया, 40% आ गया. ठीक है, इससे हल्का फुल्का डिप्रेशन तो होता था, लेकिन ये था कि रेगुलरली पढ़ना होता था यही. तो मुझे लगता था कि अगर आज पढ़ूंगा मैं तो वो तीन घंटे मेरे डिसाइड करेंगे कि क्या है. सो आई वाज वेटिंग फॉर दैट 3 to 4 hours व्हिच आई हैव टू सिट इन द एग्जाम, नॉट फॉर द टेस्ट. और अंकित एग्जाम से जस्ट पहले जो एंजाइटी हुई उसको कैसे हैंडल किया? सर एक्चुअली मैंने बहुत सारे सीनियर्स से बात किया था और क्या करना चाहिए उस दिन, कैसे करना चाहिए. तो एक तो एग्जाम के पहले हर एक सब्जेक्ट पे जो भी नोट्स हैं उस पर एक नज़र तो जानी चाहिए, ये तो कंफर्म था. और जो टेस्ट होते हैं ग्रैंड टेस्ट जो कंबाइंड टेस्ट होते हैं उस पर भी एक नज़र जानी चाहिए. उसके बाद उस दिन का था कि एक्चुअली नींद तो आती नहीं है पूरी रात को. ठीक है, परेशान रहता है कि पता नहीं क्या होने वाला है और पूरे 6 महीने ये सवाल परेशान करता है कि पता नहीं क्या होने वाला है जबकि होने वाला होता है एग्जाम. तो पहले पेपर में मैं गया तो एक्चुअली एक्सपेक्ट किया था मैंने कि ये पेपर ऐसा आएगा या फिर वैसा आएगा या फिर सारे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे. ऐसा कुछ नहीं होता. मैंने अपने जूनियर्स को बात किया कि कभी भी एग्जाम देने जाओ तो एक्सपेक्ट करके मत जाओ कि ये पेपर ऐसा आने वाला है या फिर ये सब्जेक्ट्स आने वाले हैं. और उसमें बहुत खराब गया मेरा सर. तो फिर मैं बाहर आया तो सबको देखा मैंने क्योंकि सब रो रहे हैं. मैं एक्चुअली मिस के बस से गया था तो बस में जैसे ही चढ़ा वहां पे कोई स्टूडेंट थे, कह रहे अब दूसरा पेपर मैंने नहीं देना. मैं वहीं पे उतर गया बस से. मैंने कहा मैंने नहीं चढ़ना इसमें. फिर मैंने देखा टाइम एम्पल ऑफ टाइम होता है बीच में, तो जो भी करना था किया. उसके बाद वहां पे देखा छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे सर, कोई पतंग उड़ा रहा था, कोई गुल्ली डंडा खेल रहा था, तो मैं उनके साथ लग गया था 1 घंटे. तो इन दैट 1 आवर मैं मतलब बहुत ही रिलैक्स हो गया. उसके बाद सेकंड पेपर देने गया था मैं. वाओ. और हाँ एक्चुअली पेपर होता ना वो 3 घंटे में डिसाइड होता है कि आपने क्या किया है. और मेरे जो मतलब मेरे अच्छे दोस्त हैं उन्होंने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया था. प्रिपेयरिंग इज गुड बट इट डजंट डिसाइड्स योर क्राइटेरिया टू क्रैक द एग्जाम. क्योंकि आप अगर उस 3-4 घंटे में अगर रिलैक्स नहीं हो तो यू विल स्पॉइल इट ऑल.
वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज अंकित मेरे ख्याल से ना ऑफ जूनियर्स के लिए कि मेहनत तो हमने पूरी की है, मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी जो असली डिसाइडर है वो एग्जाम वाला दिन भी है कि आप अपने आप को कितना मेंटली रिलैक्स रख पाते हो, कितना आप फोकस कर पाते हो, कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो, और जितना अपने आप को रिलैक्स रखोगे उतना रिकॉल अच्छा होगा। तो ये एक बहुत अच्छा सजेशन है, हालांकि कहना हम लोगों के लिए आसान है, बट अंकित इज अ लिविंग एग्जांपल जिसने ये किया था कि वो जो ब्रेक का टाइम मिला उसमें इंस्टेड ऑफ जस्ट प्रेशराइजिंग विद द बुक्स अंकित ऑप्टेड टू जस्ट रिलैक्स हिमसेल्फ बाय प्लेइंग विद द स्टूडेंट्स हु वर बाय प्लेइंग विद स्मॉल किड्स इन द नियर बाय एरिया एंड जस्ट रिलैक्स हिमसेल्फ एंड वेंट फॉर द सेकंड पेपर एंड देन क्या हुआ फिर सेकंड पेपर में, हाउ डिड यू फील? सर फर्स्ट पेपर में तो मुझे लगा था कि मतलब 40-50 क्वेश्चंस ही मेरे सही हैं, मेरी मतलब हालत तो अंदर से पतली हो गई थी। फिर सेकंड पेपर में जब मैं रिलैक्स्ड हो गया था तो व्हेन आई वाज ऑन 120 और 125 सवाल पे था मैं, तो मुझे लग गया आई एम अबव 100, आई एम 110 प्लस अप्रोक्सीमेटली। आई वाज लाइक ओके आई एम डन। और सर मेन चीज एग्जाम में कि जब मैंने पेपर दिया तो फर्स्ट पेपर में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को फिर से किया, मतलब 40-50 क्वेश्चंस व्हिच आई हैव डन करेक्ट, आई हैव मार्क्ड करेक्ट, आई पुट इट रॉन्ग। तो ये बहुत बड़ी गलती थी मेरी उसमें। और सेकंड पेपर में आई फिनिश्ड माय पेपर बिफोर 30 मिनट्स, 30 मिनट के पहले कर दिया, और उसके बाद मैंने छुआ नहीं। मैंने कहा या तो आप मुझे घर जाने दो या तो मैं हेड डाउन करके सो जाता हूँ, I don't want to touch it anymore. Very good. So, एक और I think input जो हम juniors को pass on कर सकते हैं कि don't try to change the answers. Yeah, don't try to resolve the answers actually sir. क्योंकि पहले 2 सेकंड में जो आंसर हमारे दिमाग में आता है ना, वो हमने कहीं ना कहीं पढ़ा होता है, सुना होता है, देखा होता है, और वो दिमाग automatically select कर लेता है उसे। True. और सर एमसीक्यू सॉल्व करना मतलब कैसे करना चाहिए, तो एक्चुअली मिस्ट में बहुत सारे जो फैकल्टीज हैं वो हमेशा समझाते रहते हैं, जैसे रेडियोलॉजी के सर थे उस टाइम पे रजत सर, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था कि एमसीक्यू कैसे सॉल्व करते हैं। और मतलब हमेशा एक तो मोटिवेट रहना चाहिए और आपको आना चाहिए कि सॉल्व कैसे करना है, ये नहीं कि आपने जैसे सवाल आया आपने सवाल पढ़ा उसके बाद गए। ऐसे भी सवाल होते हैं जिसमें पहले ऑप्शंस देखा जाता है, जैसे जो बहुत ही लार्ज क्वेश्चन है, बड़े बड़े हैं, डराने वाले, उन पे पहले ऑप्शंस देख लो, वो तो फिर आधा पढ़ते पढ़ते ना मालूम चल जाता है कि किसके बारे में बात चल रही है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है अंकित, क्योंकि जितने भी लेंथी क्वेश्चंस हैं उसमें वी ऑलवेज टेल द स्टूडेंट्स कि रीड द लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन लुक एट द ऑप्शंस सो दैट योर माइंड इज फोकसिंग ओनली ऑन those 4 options and not thinking about more than 4 options. So that really helps. Image based question maybe we always tell ki look at the image, look at the options, and then most likely you are there with the answer, so that you can save your precious time in those lengthy questions. That's a wonderful thing. During your journey Ankit, what do you think helped you the most? Attending the classes, reading the notes, solving the MCQs, or a combined package of everything is required? Sir, a combined package of everything is required. And the last thing is continuity. If you are doing it daily, so you should do it daily. अगर आप पूरे subjects revise कर रहे हो daily ना, तो आपको हर एक दिन आके आपको अपने अपने आप को फोर्स करके या फिर जैसे भी करके आपको बिठाना पड़ेगा खुद को, और पूरा का पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप हफ्ते में 4 दिन करते हो, 2 दिन छोड़ देते हो, तो इट विल नॉट गिव अ गुड रिजल्ट। एक्चुअली आपको पूरे पूरे दिन आपको बैठना पड़ेगा और खुद से बोलना पड़ेगा कि मतलब मैं तो अपने आप से खुद बोलता था कि बस आज कर ले, कल का देखते हैं, कल का क्या होगा ये नहीं जानता मैं, लेकिन आज बैठ जाता हूँ, कल का नहीं जानता, कल अगर उठ गया अच्छे थे तो फिर देखेंगे।
तो एक तो सर प्रेजेंट को अच्छे से जीना, ठीक है, हर एक चीज को एंजॉय करना, और ये भी याद रखना कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्योंकि ऐसी चीजें ना खा लूं क्योंकि उससे कि आपको दिक्कत हो जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया, हर चीज का ध्यान रखना कि बहुत हैवी भी नहीं होना है, बहुत ऑयली स्पाइस भी नहीं हाँ लेना है, नहीं तो अपनी वर्क हाँ एफिशिएंसी पे फर्क डालेगी। और ये बात बहुत अच्छी लगी अंकित मेरे को कि कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंसी, अगर आप मेहनत करोगे, और एक वो जो सेइंग है कि काल करे सो आज करे सो अब, पल में परले होएगी फेर करे वो कब, हाँ तो हाँ वो जो पॉइंट मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि कल का कल देखेंगे यार, आज तो अपन निपटा देते हैं। तो दिस इज हाँ समथिंग विच इज अ वेरी गुड मैसेज फॉर द जूनियर्स कि इंस्टेड ऑफ पुटिंग द थिंग्स फॉर टुमारो, लेट अस डू इट नाउ, लेट अस नॉट ओवर बर्डन आर सेल्फ, लेट अस नॉट ओवर प्रेशराइज आर सेल्फ, कीप ऑन एंजॉइंग वॉट यू आर डूइंग। आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल मैसेज एंड द जूनियर्स विल डेफिनेटली वॉन्ट टू हैव दिस मैसेज एंड आई वुड लाइक टू स्टिक टू दिस। कुछ एंड कहना चाहोगे उनके जूनियर्स के लिए? सर एक और बात कि अगर आप क्लास कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि क्लासेस बहुत ही सीरियसली करनी है, एकदम चुप रह के शांत रह के। ठीक है सर, मतलब हम एक्चुअली आई वाज फ्रॉम RB3, एंड जो शिव मंदिर है ना उस पर होता था जो 500 स्टूडेंट्स एक साथ बैठते थे, एंड इफ यू रिमेम्बर देन आई वाज वन ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम द लास्ट रोज फ्रॉम राइट राइट साइड लास्ट रोज, अच्छा, ओके, विच वी आर फेमस फॉर हूटिंग एंड शाउटिंग एंड एंजॉइंग एवरीथिंग। हाँ, एंड सर एक्चुअली उसमें से मैंने बहुत ही कम लोगों को देखा जो जिसने क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन सर मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उसमें हम लोग 90% क्लियर कर गए वंडरफुल, वहां पे बैठ के। और सर पीछे बैठ के जो फोकस बनता है ना वो कहीं नहीं बनता। क्या बात है, मैं एक दिन आगे बैठा, 2 दिन आगे बैठा, और मुझे ऐसा लग रहा मुझे डिप्लोपिया हो जाएगा, दो दो तीन तीन चीजें ऐसे दिख रही हैं बड़ी बड़ी, जो फैकल्टी है कुछ और बोल रही है, जो बच्चे हैं वो कोई USMLE क्रैक करके आया है, वो बहुत सारी चीजें होती हैं आगे, बहुत पढ़ने वाले लोग होते हैं आगे, और जो सर पीछे होता है ना वो बड़ा ही रिलैक्स माहौल होता है, बहुत यू कैन बढ़िया, फोकस ऑन योर सेल्फ। वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा अंकित बात करके, इंटरेक्ट करके, और ये जान के कि सफदरजंग से तुमने अभी इंटर्नशिप कंप्लीट किया ऑलमोस्ट, अब NEET PG की प्रिपरेशन है। हाँ सर अभी मैं स्टार्ट करूँगा, एक्चुअली मैंने 1 हफ्ते 6 तारीख को ही मैंने कंप्लीट किया था ओके बेटा, इंटर्नशिप। चलो वंडरफुल बेटा, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर NEET PG एग्जाम, एंड आई विश एंड द एंटायर मिस फैमिली विशेस यू दैट यू रियली डू ग्रेट एंड वंडर्स इन योर लाइफ। विश यू ऑल द थैंक यू वेरी सर, बेस्ट फ्रॉम एवरी वन ऑफ अस, एंड कन्वे आर सिंसियर रिगार्ड्स रेस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स एंड एवरी वन इन द फैमिली। अंकित, थैंक यू फॉर ओके टेकिंग आउट सर, योर थैंक प्रेशियस यू, टाइम। अंकित, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू बेटा।